नमस्ते प्यारे किसान भाइयों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गया अखरोट का एक्विलेरिया मालाकंसिस वैरायटी का पौधा नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पौधा नहीं था। लेकिन मैंने अभी नया इस साल पौधा बनाया है, और वो भी बहुत सारा क्वांटिटी में बनाया है, क्योंकि मेरे यहाँ पे पौधा ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। मैं सेल कर देता हूँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आता है इसीलिए। लेकिन इस साल मैंने यहाँ पे 3 लाख पौधा बनाया है। तो अगर किसी किसान भाई को अखरोट का पौधा चाहिए, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जल्दी से मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी लेने से मैं होलसेल रेट में प्रोवाइड कराता हूँ और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगा। और पौधे का आप क्वालिटी देखो, कितना अच्छा क्वालिटी है इसका। एज 1 साल 1.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल। और पौधे का हाइट देखो, 1.5 फीट का, 2 फीट का भी पौधा है। तो अगर किसी किसान भाई को अच्छा क्वालिटी का अखरोट का पौधा चाहिए, वो भी सस्ते में होलसेल रेट में, तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और मैं पौधा लगाने से लेके मार्केट में लकड़ी सेल करने तक A to Z आप लोगों को गाइड करूँगा। तो अगर किसी किसान भाई को इसका ट्रेनिंग भी चाहिए, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि ये पौधा लगाने के कुछ दिन बाद मर जाता है। आप लोग तो पौधा ऐसे यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख के हर किसी से भी ले लेते हो, लेकिन आगे अगर आपको गाइड नहीं करेगा कोई, तो कोई भी नया किसान इसको नहीं कर सकता है। तो इसके लिए एक साल 2 साल बाद ये पौधे को देखभाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है लगा दिया कि पौधा हो जाएगा आराम से, नहीं होता है ऐसा। ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, पहले 1-2 साल तो इसको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा आप लोगों ने बहुत सारे जगह पे सुने होंगे, यूट्यूब में भी आया है, बहुत वीडियो देखे होंगे कि लोगों ने 5-6 साल का पौधा लगाया, वो भी मर गया। 5-6 साल बाद पौधा मरा है, तो ऐसा बहुत हुआ है। तो अगर किसी को अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से इसकी फार्मिंग करना है, तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉल करके पौधा बुकिंग कर सकते हो।